हाँ भाई, क्या हाल है? तो ये मैं ले आया हूँ आपके लिए SP125। काफ़ी अच्छी बाइक है होंडा की तरफ से और माइलेज के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती है बाइक। तो ये वाला है डिस्क वाला वेरिएंट, तो इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1,01,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव में। एंड पीछे जो वो खड़ा है ये नॉन डिस्क वेरिएंट है, ये पड़ेगा आपको 97,000 रुपये का ऑन रोड। तो काफ़ी सही बाइक है इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, तो मैं आपको देता हूँ इसकी सारी डिटेल्स, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो फीचर भी काफ़ी सही इस बाइक में और होंडा की तरफ से, तो इंजन वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको इसमें। तो फ्रंट से बात करें तो जो वाइज़र है भाई, ये थोड़ा सा सही इसका लुक अच्छा देता है, स्पोर्टी सा फ्रंट से बड़ा सा वाइज़र है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा मिलता है आपको यहाँ पे, एंड होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है फ्रंट में। LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, तो 125 cc में आजकल यार LED आने लग रही है, अच्छी चीज़ है। और ये लुक काफ़ी अच्छी दे रही है, यहाँ पे LED भी लिखा हुआ है। एंड हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। मड गार्ड की बात करूँ तो ये प्लास्टिक में मिलता है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर है, कलर काफ़ी अच्छा है इसका। एंड टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पे, रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी, होंडा के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं वैसे भी। एलोय की बात करूँ तो मेटलिक गन फिनिश के कलर में एलोय मिल जाते हैं, लुक तो अच्छे दे रहे हैं टायर्स की। एंड यहाँ पे MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं फ्रंट में, 80/100 का टायर मिल जाता है। तो इस बाइक के हिसाब से थिकनेस ठीक है, थोड़े पतले आते हैं इन बाइकों में टायर, क्योंकि माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है उसकी वजह से। सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। एंड बात करते हैं इसके साइड लुक की, तो लुक देख लो भाई, जिनको 125 cc में बाइक चाहिए माइलेज के लिए, तो लुक भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे। थोड़ा सा ये ब्लैक किस ब्लू कलर है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा लोगों कि कौन सा कलर है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश सा है। एंड यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है ये भी काफ़ी स्पोर्टी है, क्योंकि देखो वाइड कितना दे रखा है यहाँ पे, तो काफ़ी चौड़ा है यहाँ से, एंड यहाँ से थोड़ा सा नैरो है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक पार्ट दे रखा है, और अच्छा लग रहा है फ्यूल टैंक। होंडा की ब्रांडिंग मिलती है आपको यहाँ पे 3D में, सिल्वर में। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स मिलते हैं रेड कलर में, ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट एंड तक जा रहे हैं। मेटलिक गन फिनिश मिलता है सिल्वर में यहाँ पे, तो ग्राफिक्स इस कलर के साथ सूट कर रहे हैं। साइड कॉल पे SP125 की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, और यहाँ पर दे रखा है एनहेंस स्मार्ट पावर ESP मिलता है इसमें। अब बात करते हैं मेन चीज़ इंजन की, तो होंडा का इंजन मिलता है आपको 123.5 cc, 125 cc का इंजन मिल जाता है सिंगल सिलेंडर। तो भाई पावर आउटपुट की बात करते हैं, इसमें पावर मिलती है आपको 10.8 BHP के, टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का। तो ये इसमें पिकअप काफ़ी अच्छा है, तो जो भी कस्टमर है, अभी मैंने पूछा था उनके पास दो बाइक थी, बता रहे काफ़ी अच्छी पावर है और इंजन स्मूथ है, पिकअप भी अच्छा है, पिकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड माइलेज भी, तो माइलेज की बात करूँ इसमें आपको माइलेज ये दे देगी अराउंड 60-65 km/L की, राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है बाकी। एंड किक भी देखने को मिल जाती है आपको भाई यहाँ पे, और ब्रेक पीछे की तरफ आपको ड्रम देखने को मिल जाता है। एंड एग्जॉस्ट देख लो, नैरो सा एग्जॉस्ट है, बाकी एक बार आवाज़ सुना देता हूँ मैं आपको इसकी। तो अभी थोड़ी ठंडी हो रखी है, बाकी आवाज़ सही है इसकी, और ज़्यादा सर्विस जैसे हो जाएगी उसके बाद आवाज़ थोड़ी सी और लाउड हो जाती है। एंड भाई पीछे की तरफ आपको कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं रेड कलर में, और लुक तो ठीक है यार बाइक की, मतलब फुट पैक्स भी थोड़ी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है आपको यहाँ पे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ये आपको मेटल का देखने को मिल जाता है फ्यूल टैंक। सीट की बात करूँ तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है इस बाइक की, कम्फर्टेबल सीट है, राइडर के लिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, पिलन के लिए भी काफ़ी बड़ी चौड़ी कुशनेबल सीट है, मतलब लॉन्ग राइड कर लो आप, सिटी में चला लो, और पिलन राइडर आप इजीली थकोगे नहीं इस पे लंबी ले जा रहे हो। तो पीछे की तरफ आपको स्ट्राइक्स देखने मिल जाती है, ये रेड में एंड ग्रे में काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड पीछे की तरफ आपको ग्रैब रेल भी मिल जाता है, ग्रैब हैंडल जो पिलन के लिए, ब्लैक में ठीक है, नॉर्मल सा मिलता है, सॉर्टेड सा। पीछे की लाइट है ये आपको हेलोजन मिलती है, यहाँ पे LED नहीं मिलेगी, पीछे तरफ ये हेलोजन ही मिलती है। पीछे का टायर भी आपको 80/100 का मिलता है, सेम टायर सेक्शन, ये थोड़ा सा छोटा दे सकते हैं पीछे की तरफ से, बट कोई नहीं ठीक है। बाकी सीट हाइट की बात करूँ, 790 mm की सीट हाइट देखने मिल जाती है, एंड 117 kg का कर्व वेट है, तो लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है यार ये। और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, तो सही है। बाकी मेन चीज़ तो यार देखो पावर है, माइलेज है, काफ़ी बढ़िया चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे ये। एंड अब बात करते हैं गियर बॉक्स की, 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे भाई, और स्मूथ है, फर्स्ट डाउन होगा गियर एंड बाकी बैक हो गए सारे। अब बात करते हैं इसके पोस्चर की, हैंडल बार देख लो, अपराइट पोस्चर है, तो कम्फर्टेबली चलाओगे, और वेट मल्टीपल क्लच है, तो थोड़ी सी हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, हॉर्न सुन लो ठीक है, हॉर्न की आवाज़ भी। बाकी मिरर्स देख लो, ये आपको सही मिल जाते हैं इसमें ना, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बड़े चौड़े मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी बटन क्वालिटी मेरे को काफ़ी प्रीमियम लगी यहाँ पे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, इंजन की चीज़ें देख लो, सेल दे दी, यहाँ से बंद कर सकते हो, तो ये सही चीज़ है यार। बाकी की दिखा देता हूँ,
ऐसी सिंपल सी नॉर्मल सी की मिलती है होंडा की, सही है। मीटर देख लेते हैं जरा एक बार इसका, तो ऐसा डिजिटल मीटर मिलता है तो अच्छी बात है। 125 में आपको डिजिटल मीटर मिलने लगा आजकल। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको फ्यूल गोज दिखाता है, स्पीडोमीटर देता है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी मिलता है आपको, ट्रिप भी ये आपको बटन से सेट कर सकते हो। ये जो बटन है इसमें बटन की ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इजीली प्रेस हो रहा है, प्रेस नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा। यहाँ पे देख लो ये माइलेज दिखाती है आपको KMPL, और एवरेज स्पीड दिखाती है, रेंज दिखा देती है, और ओडोमीटर है, ट्रिप ए ट्रिप भी दो ट्रिप दिखाती है, तो ये सारी चीज़ इसमें दिखा देती है आपको। एंड ये इको भी दिखाती है, वो मतलब हुई है कि अगर नॉर्मल स्पीड रखोगे तो ये इको ब्लिंक करेगा, अगर आप ज़्यादा भगाओगे तो पावर में चली जाती हो। एंड यहाँ पे साइज 10 इंडिकेटर मिलता है, न्यूट्रल इंडिकेटर वगैरह मिल जाती हैं। तो ये है कुछ चीज़, बाकी मीटर सही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट अच्छा लग रहा है, डिजिटल है अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई इस बाइक में, काफ़ी अच्छा एक पैकेज है इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब वैसे तो जो है आपकी जो राइडर है वो भी 125 की अगर आपको स्पोर्टी में जाना, बट उसका प्राइस काफ़ी महंगा चला जाता है इसके मुकाबले, 10-12 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है। ये उनके लिए जिनको माइलेज वगैरह अच्छी चाहिए और जिनका डेली यूज़ का काम है और ऑफिस बंदों के लिए काफ़ी सही है। वैसे आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, और 60 माइलेज यार काफ़ी अच्छी होती है। तो बताना आपको कैसी लगी SP125, और कमेंट करना SP Lovers, SP125 लवर्स। एंड कलर दिखा देता हूँ, इसमें ये वाला कलर भी आता भी है नहीं शोरूम पे, एक ये कलर है, इसमें जो है न्योन की ब्रांडिंग मिलती है, न्योन के ग्राफिक्स मिलते हैं ब्लैक के साथ, ये ब्लैक है प्योर, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख लो। तो आप बताना ये वाला कलर अच्छा लगा आपको या फिर ये वाला, और बाकी वीडियो लाइक करना एंड गणपति होंडा पे आना, भाई आपको ब्रीफ कर देंगे अगर खरीदनी है तो। बाकी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना कुछ और वीडियो चाहिए तो इस पर, बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते किसी वीडियो तो खुश रहो, मोज लो, बाय बाय। एंड इसमें आपको टो स्पीड मिल जाती है अराउंड 100+ मिल जाती है, 120 तक चली जाती है ये, और भाई इसमें 3 साल की वारंटी मिलती है एंड 900 रुपीज़ दे के इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो, एक्सटेंड 3 साल की और हो जाएगी, 6 साल की वारंटी मिल जाएगी आपको, तो ठीक है भाई काफ़ी सही रहेगी आपके लिए।